देश की पहली गौ कैबिनेट मध्य प्रदेश सरकार ने बनाने का फैसला किया है। यह गायों के संरक्षण और संवर्धन के लिए काम करेगी। इस संबंध में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बुधवार को ट्वीट कर यह जानकारी दी। शिवराज सिंह चौहान ने लिखा कि प्रदेश में गौधन के संरक्षण और संवर्धन के लिए गो कैबिनेट बनाने का फैसला लिया है। पशुपालन, वन, पंचायत एवं ग्रामीण विकास, राजस्व, गृह और किसान कल्याण विभाग गो कैबिनेट में शामिल होंगे। इसकी पहली बैठक गोपाष्टमी के दिन 22 नवंबर को दोपहर 12 बजे गो अभ्यारण्य सालरिया आगरमालवा में रखी गई है। वहीं इस मामले में पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने शिवराज सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा है कि 2018 के विधानसभा चुनाव के पहले प्रदेश में गौ मंत्रालय बनाने की घोषणा करने वाले शिवराज सिंह अब गौ कैबिनेट बनाने की बात कर रहे हैं। उन्होंने अपनी चुनाव से पहले की घोषणा में गौ मंत्रालय बनाने के साथ साथ पूरे प्रदेश में गौ अभ्यारण्य और गौशालाएं बनाने की भी बात कही थी। कमलनाथ ने कहा कि हम सभी जानते हैं कि पिछले 15 सालों में और मौजूदा 8 महीने में शिवराज सरकार ने गौ माता के संरक्षण और संवर्धन के लिए कुछ भी नहीं किया। उल्टा चारे की रकम में कांग्रेस सरकार ने जो 20 रुपए प्रति गाय का प्रावधान किया था उसे भी कम कर दिया। कांग्रेस सरकार ने अपने घोषणा पत्र में वादा किया था कि हमारी सरकार आने पर हम 1000 गौशालाओं का निर्माण करवाएंगे।